राजधानी शिमला में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शिमला में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सोमवार 19 अगस्त को बारिश के बाद क्रॉसिंग के आसपास भूस्खलन से शिमला बालूगंज मार्ग बंद हो गया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग करते हुए शिमला बालूगंज मार्ग की क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। रात फिर इसी जगह पर पहाड़ी दरक गई और मलबा नीचे आ गया, जिसकी वजह से यहां पर और भी खतरा बढ़ गया। बालूगंज के स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि बालूगंज चौड़ा मैदान मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को अब लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। रोड बंद होने का सर, आप इसमें गाड़ियां देखोगे कितने बड़े बड़े ट्रक और रात को बड़े बड़े टिप्पर यहां से जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। साथ में पड़ा हुआ कलवट बंद पड़ा, कितने साल से बंद पड़ा हुआ है। जो सरकारी महकमे कोई काम नहीं कर रहे, वो लिपापोती करते हैं वहाँ पे। बस जाकर थोड़ी देर में काम हो, ऐसे दिखाते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया है। जनता का सीधा आई वॉश है। शिमला में आप देखोगे रिवॉल्वी के पास, आप देखोगे इतना बड़ा लोहे का जंजाल वहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने। आप देखोगे 3 या 4 साल के अंदर ये सारा ऊपर से ब्रिज नीचे आ जाएगा। ये मेरा नाम राजेश कुमार सूद है, मैं बालूगंज में दुकान करता हूँ। जो ये सर, ये सर्कुलर जो रोड, मैं व्यापार मंडल बालूगंज का चेयरमैन हूँ और गोपाल मंदिर सभा का उप प्रधान हूँ। सर, ये जो सर्कुलर, मुख्य वजह जो है, एक तो पानी का बहुत अधिक रिसाव होना और एक जो पानी की एमसी की सबसे ज्यादा लीकेज जो है, इसका मुख्य कारण है। उसके ऑपोजिट एक दूसरा रोड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का, जिसको अंग्रेजों के टाइम से वो रोड खुला चला आ रहा था। चंद एक साल से ही दो तीन अफसर ऐसे आए जिन्होंने ये रोड बंद कर दिया है और वहां से जनता को तक जाने नहीं देते। आज की इस रोड, दोनों रोड को बंद होने से ये समस्या हो गई है कि कम से कम वो पैदल जो जनता है वो चली जाए और एम्बुलेंस, दो जो गाड़ियां हैं उनके लिए ये रोड खोल दिया जाए। ये मान डीसी साहब और एसपी साहब से गुंजारिश है कि वो इस इनके अफसरों को बोलें सीपीडब्ल्यूडी के और इस रोड को खुलवाएं। हाँ जी, मेरा नाम सतीश गुप्ता, मैं रिटायर्ड एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बालूगंज निवासी हूँ। देखो जी, जो ये सर नीचे दोनों रोड हुए, ये तो एक तो यहाँ पर मेंटेनेंस की कमी रही है हमेशा, और कोई मतलब ऊपर ऊपर से मेंटेनेंस होती थी और बाकी कोई मेंटेनेंस इसकी कंप्लीट नहीं हुई, और इसलिए बालूगंज बाजार का तो अब तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंद हो गया। एक ऊपर रोड है हमारे एडवांस स्टडी वाला, इन्होंने अब ना जाने कौन सा इनका कानून है, क्या कर रहे हैं, इन्होंने उपला रोड बंद कर दिया है और जबकि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं। पहले तो इन्होंने बोला जी बंद हो, मेंटेनेंस हो रही, बंद कर दी। हमने सीनियर सिटीजन हम लोग हैं, हम कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक को जाना होता है, शाम को जाना है, तो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने इस बाबत डायरेक्टर इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी को मैंने मेल की, उन्होंने उस मेल का कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया। सर, अपना परिचय। मेरा नाम कर्मवीर है, मैं दुकानदारी का पेशा करता हूँ। परेशानी का जहाँ तक है, तो जब एक आवाजाही का साधन ही ख़त्म हो जाएगा, लोगों का चलना फिरना जहाँ से आवाजाही है, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम कारोबार के लिए जाना है, बच्चों ने पढ़ाई के लिए जाना है, और वो सब कुछ इफ़ेक्ट हो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी हाँ कितनी परेशानी है। मार्केट हमारी देख लो तो इस टाइम पूरी खाली नज़र आएगी आपको, क्योंकि आवाजाही बिल्कुल नहीं है, दुकानदार भी फ्री बैठा हुआ है और लोग दहशत में हैं इस टाइम कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। कारण इसके पीछे और कुछ नहीं, एक सबसे बड़ा कारण, जिनकी ये जिम्मेवारियां हैं वो लोग दफ्तरों में बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको वो इंस्पेक्ट तक नहीं कर रहे। एक साल पहले जब ये जगह बैठनी शुरू हुई थी तो उसी टाइम इन्होंने एक स्पोर्टिंग वॉल लगाई ठीक इसी रेन शेल्टर के सामने। आप अगर नोट करें तो उसके सामने जो ड्रेन है उसी में एक कलवेट है, कलवेट भी क्या कि जो जहाँ से पानी का निकास नीचे को होता था और उसी के मुख जहाँ पे वो खुलता था, जंगल में वो पानी जा रहा था, वहीं पे उन्होंने डंगा दे दिया और उसका मुख ही बंद कर दिया। बारिश हुई, पानी आता रहा, नालियाँ ब्लॉक हैं
और वो सारा पानी वहाँ पर रुका और उस सारे की सीपें जो है वो उस कलवेट के अंदर हुई और वो सारा पहाड़ी के अंदर हिस्सा। जब वो ठेकेदार वहाँ पर काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ के सुपरवाइज़र जेई एसटीओ एक्सिन क्या कर रहे थे, दफ्तरों में बैठ के ही सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ कर रहे थे।